अच्छा ललिता जी, आपको सरकार की किन योजनाओं का लाभ मिला है? भारत सरकार की जो योजनाएं थी उसमें से कौन सी योजना थी जिसका आपको लाभ मिला है? घर मिला सर, घर जैसे पहले माटी घर चले सर, नारा घर जैसे माटी घर नारा घर चले, बहुत चुभे चले पानी सर, बच्चा बुतरु बहुत दिक्कत हो चले सर, आज जब पक्का मकान हो रहे तो कोई चीज के दिक्कत नहीं हो सर, बच्चा बुतरु बहुत बढ़िया से रहे, आ पहले बहुत दिक्कत हो संगे संग शौचालय बना लिए सर, जैसे लौटा ले बाहर दे चलिए शरम लगे सर, अब शरम नहीं लगे, सब बच्चा बुतरु मिल के सब परिवार मिल के घर शौचालय करे छे, आज सब गांव टोला वाला लगा के सबके शौचालय हो गए सर। ललिता देवी जी, बच्चों को पढ़ाती हो? हाँ सर। क्या पढ़ते हैं बच्चे? बड़ी लड़की बीए में, एक और बड़ा बेटा है वो इंटर के, एगो छोटी लड़की वो नम्मा में, एक तो छोटा बेटा सतमा में। अच्छा, अभी अभी ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना मिल गया तो बच्चों को पढ़ाई की भी सुविधा हो गई होगी, आराम से पढ़ पाते होंगे? हाँ सर। घर में काम में मदद करते हैं पढ़ने ही गए तो? हाँ सर करते हैं। सरकारी, हाँ हाँ सरकारी स्कूल में पढ़ाई गए थे सर, अखने बहुत बढ़िया लगे थे, सुविधा हो गए थे। देखिए, अब तो आपको घर मिल गया है तो अच्छे घर में बच्चों की शादी भी हो पाएगी। हाँ सर, गैस मिल गए, गैस चूल्हा मिल गए सर, पहले लकड़ी बैठा खाना बनावे चलिए तो धुइया लगे आँख में, आया बहुत बढ़िया सुविधा हो गए तो बच्चा बुतरू खाना उना जल्दी से बनाए के सरकारी हॉस्पिटल सरकारी स्कूल भेज दे। अच्छा, गांव में अभी भी कुछ लोग होंगे जिनका मकान अभी बनना बाकी होगा, क्योंकि हमने तय किया है कि जिनको अभी मकान नहीं मिला है उनको हम बना रहे हैं, हो सकता है किसी को दो महीने देर से, किसी को चार महीना देर से, लेकिन सबको मिलेगा। जब आपका घर बन गया है, आप जिन लोगों को गरीब परिवारों को जानती होगी जिनका घर नहीं बना होगा, तो वो क्या बोलते हैं आपको? आप उनको क्या समझाती हो? हाँ सर, उनको विश्वास देती हो कि घर मिल जाएगा? बढ़िया समझाइए ना सर। हाँ चलिए ललिता देवी जी, प्रणाम आपको।